2024 की तैयारी इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है। इसराइली एजेंसी ने बोला कि हमने 33 देशों के इलेक्शन बदला है, उसमें भारत है। हमने टेम्पर किए सब, और जो हम टेम्पर करने वाली टीम थी, इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक रूप में देके सबको मार डाला। मैं इत्तेफाक से जिंदा हूँ, इसलिए वो इंटरव्यू दे रहा है अमेरिका जाके। 2009 से मोदी अभ्यास कर रहे थे, जिन शास्त्रज्ञ को बुलाया था मोदी ने वो मेरे पहचान के। वो नाम देने को डरते हैं क्योंकि वो उनको मरवा देंगे। ने ईवीएम का 2013 में पिटीशन किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, अडवाणी ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी वो इसराइल की एजेंसी ने बोला ना कि हमने टेम्पर किया सब, इसराइल की एजेंसी ने बोला। तो ये बाहर से टेम्पर होता है, और वो टेम्पर करने की टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी टेम्पर्ड। अरे बेटा एक सुन तू, अरे कोई आदमी भी टेम्पर होता है तो मशीन तो कभी भी टेम्पर हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी को मारने की जरूरत क्या थी? उनका नेहरू और गांधी टारगेट था, क्योंकि उनका हिंदू राष्ट्र टारगेट है। तो कहता हूँ कि मुसोलिनी, हिटलर, इनसे कुछ नहीं थे, इनके आगे कुछ भी करो। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ भी कई केसेस है। लेकिन ऐसा है, देखो अभी हमारी तो आधी गर्दन कट गई है, ये 8-9 साल में हमारा सब जो रिसोर्सेस है, जो कुदरती रिसोर्सेस है, पब्लिक सेक्टर है, सब बेच दिया है। हमारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, हमारी रिजर्व बैंक खत्म हो गई है, हमारी बैंक खत्म हो गई है, हमारी LIC खत्म हो गई है, और ये सब पैसे इन्होंने जानबूझकर बड़े प्लानिंग से अपने आदमी को दिए, अडानी हो, अंबानी हो। लेकिन देश की जनता बार बार इनको चुन के भेज रही है, और विपक्ष तमाम आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम से जीत के आते हैं। आप इस पूरे उसमें कई फैक्टर्स है। मोदी पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, पहले इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, कुछ हुआ उनको? तो इनके जमात का कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उसने गोधरा किया, कुछ हुआ इनको? फिर उन्हें अहमदाबाद किया, कुछ हुआ इनको? फिर उन्होंने करते रहते हैं उरी हो, पठानकोट हो, कैपुलवामा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उनको मालूम है कि हमारा कोई बाल नहीं बाका कर सकता। तो लोग मूर्ख बनते हैं वोटिंग में, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और वो जानबूझकर, मीडिया उनका है, सभी एजुकेशन संस्था उनकी है, बैंक कर्मचारी उनके है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, IB CBI कुछ हद तक जुडिशरी उनकी है। तो सभी की पोजीशंस, जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण संस्थाएं, संविधानिक संस्थाएं, उनके ऊपर इनका कब्जा है। तो फिर कहां जाएंगे लोग, कहां जाएंगे? और लोगों का भी 5 किलो धान की आदत पड़ी है, तो 80 किलो लोग अलसी बन गए, 80 करोड़ लोग, उनको 5 किलो मिलता है, कुछ भी मिसेस उनकी वाइफ कही जाते हैं तो वो मीट मिर्ची का इंतजाम करती है, वो दारू पी के सो जाते हैं बच्चे हमारे युवा। तो ये सबको बर्बाद करने का काम है। मोदी मेहरबानी नहीं कर रहे हैं 5 किलो धान देने की। अन्न सुरक्षा कानून है 2013 का, उसके तहत कोई भी भूखा हो तो हाईकोर्ट में जा सकता है कि मुझे खाने को नहीं है और वो देना पड़ेगा, तो वो दे रहे। लेकिन ये देने की इनकी जो मनीषा है, ये इन सबको बर्बाद करना है। लेकिन इनको जाके घर घर जाने के लिए हमारे लोगों की ताकत नहीं है। हम भी 2 जून की रोटी के मोहताज है, तो हम कहाँ जाएंगे? उनको मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐसे आपसे बात करेंगे। और मैं उनका टारगेट हूँ, मेरे खिलाफ कई केसेस है, CNRC के है, इसके है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि आज हम जिंदा है, बस हो गए, कल का देखेंगे। ये ऐसी हमारी जिंदगी जा रही है। सर, जैसे अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है, और 2014 से अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कम्युनलिज्म और जो धर्म के नाम पे जो हिंसा है, जैसे हरियाणा में हमने देखते हैं सारे इंसिडेंट्स आते हैं, तो आपको आपको नहीं लगता कि क्या जनता में भी ये नफरत अब पहुंच चुकी है, जो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे थी, अब जनता में है? क्योंकि जनता को कुछ मालूम ही नहीं ना, जो मीडिया इधर हर दिन कहता है वही चालू है। सोशल मीडिया आपके जैसा जिंदा है, इसलिए कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अभी इतनी राहुल गांधी की पदयात्रा थी, किसी मीडिया ने उठाई नहीं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर गई ना, तो घर घर जाने का आज भी मार्ग आप लोगों के माध्यम से खुला है। लेकिन वो अच्छी तरह लोगों को समझाने की कोशिश में कोई, अभी क्षत्रिय पार्टी है वो क्या है, वो तो अपने अपने घर की पार्टी है, और उनको कभी ना कभी वो सत्ता में थे तो उनके भी पल्लू पर दाग है, तो वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो मोदी के पास उनकी फाइलें हैं। ईवीएम का आंदोलन खड़ा नहीं हो सका, हमने ईवीएम का 2013 में पिटीशन किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, अडवाणी ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिनको इन्होंने राज्यसभा दी, वो गोगोई ने कहा है जजमेंट में 2013 के कि ये भरोसेमंद नहीं है। जब टैम्पर वो बुलाते हैं कि जब ये टैम्पर करके दिखाइए बिना हाथ लगाए, होता ऐसा नहीं होता है, वो तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, अभी वो इसराइल की एजेंसी ने बोला ना कि हमने टैम्पर किए सब, इसराइल की एजेंसी ने बोला। तो ये बाहर से टैम्पर होता है, और वो टैम्पर करने की टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी टैम्पर्ड। अरे बेटा एक सुन तू, अरे कोई आदमी भी टैम्पर होता है तो मशीन तो कभी भी टैम्पर हो सकता है, उसमें क्या है? तो टेम्पर होने में कोई दिक्कत नहीं है जी। और मोदी शाह का इतिहास है, उन्होंने
गोधरा और अहमदाबाद करके सत्ता हस्तगत की ना, तो ये छोड़ेंगे जब उनके पास ईवीएम और ईवीएम के 2009 से मोदी अभ्यास कर रहे थे, जिन शास्त्रज्ञों को बुलाया था मोदी ने वो मेरे पहचान के हैं। वो ना नाम देने को डरते हैं क्योंकि उनको मरवा देंगे, कुछ भी करो बीजेपी नहीं चाहिए, वो तो बात अलग है। लेकिन एक दूसरा इलेक्शन ऐसा जीतने से 2024 का अंदाजा नहीं लगा सकते हम, 2024 का अंदाजा नहीं लगा सकते हम, क्योंकि 2024 की तैयारी इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है। कैसे, थोड़ा विस्तार से बताएं मुझे। वही बोला कि इसराइली एजेंसी ने बोला कि हमने 33 देशों का इलेक्शन बदला है, उसमें भारत है। अच्छा, 2014 का वो सुशा करके जो है वो इंटरव्यू देता है कि हमने सब टैम्पर किए, वो तो बहुत खतरनाक इंटरव्यू देता है कि हमने टैम्पर किए सब, और जो हम टैम्पर करने वाली टीम थी इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक रूम में देके सबको मार डाला, मैं इत्तेफाक से जिंदा हूँ इसलिए वो इंटरव्यू दे रहा है अमेरिका जाके। तो ये अरे मोदी शाह का जब काय को आरएसएस का इतिहास, हजारों साल का ब्राह्मणवाद का इतिहास हम देखेंगे, तो मैंने सम्राट अशोक की बात की जी। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस है कि वो अपने साथ लोगों को लेते हैं, काम करवा लेते हैं, बाद में उनको खत्म कर देते हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी हम लोग समझते नहीं। आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि हम देश के मालिक हैं, वो कहते हैं हम देश के मालिक हैं और तुम सब लोग 2 जून की रोटी का दिया। तो इन्होंने आज तक क्या किया, 8 साल में 9 साल में हमको 2 जून की रोटी पर लाया। आज कम से कम 80 करोड़ 100 करोड़ लोग 5 किलो धान पर है और वो सोते हैं धान खा के, तो उनको बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं। और ये हजारों साल किया, ऐसा आज नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि मुसोलिनी हिटलर इनसे कुछ नहीं थे, इनके आगे कुछ नहीं थे, बिल्कुल ज्यादा गंभीर नहीं, इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों? तो उनकी 1-2-4 पीढ़ी का उन्होंने नुकसान किया, लेकिन बाहर देश कंट्री तो ऊपर आई ना, हमारी कंट्री कभी ऊपर आई नहीं कभी। जब भी मौका आता है कंट्री को, एक उदाहरण देता हूँ, सम्राट अशोक का बहुत अच्छा राज था जी। उनकी मिसेज ब्राह्मण थी और उनका ग्रैंडसन बृहद्रथ, उसको उसका सरदार पुष्यमित्र शुक उसने मार डाला, सरदार था वो जी। तो जब भी देश का उज्जवल भविष्य शुरू होता है तो ये लोग आते हैं और बर्बादी करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, अभी इनका इंटरव्यू फिर लंबा हो सकता है जी, जी। लेकिन आज स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी को मारने की जरूरत क्या थी? उनका नेहरू और गांधी टारगेट था क्योंकि उनका हिंदू राष्ट्र टारगेट है। आप तिलक, सावरकर, गोलवलकर पढ़ेंगे, तिलक का 13 जनवरी 1904 में एडिटोरियल है कि उन्होंने तब हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी, तब तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था, बालक नजर तिलक। अच्छा, और उसके बाद 23 में सावरकर ने करी, तब भी आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था। तो इनका प्लानिंग बहुत पुराना है हिंदू राष्ट्र का जी। और हिंदू राष्ट्र के लिए इन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेना बात अलग है, विरोध किया स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्र नहीं चाहिए हमको ऐसा बोल के सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ इन्होंने अपने लोग ब्रिटिश आर्मी में भेजे थे। और तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू, भगत सिंह सब ने बोला कि आरएसएस से देश को खतरा है। नेहरू ने तो ऐसा बोला कि जब आरएसएस कहता है कि हम पूरब में जा रहे हैं तो वो कहाँ गए, इसके लिए बाकी 3 दिशा है वो ढूंढना पड़ेगी। अच्छा, तो ये इनका हजारों साल का तरीका है, सुनिए एक बिट। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हिटलर और मुसोलिनी के वो उनका मामला 2-4 पीढ़ियां में खत्म हो गया, देश के विकास हो गए, सब वो देश हमारे बाप बन गए, हम तो अभी वही है पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ कम्युनलिज्म है, ये फैसिज्म लोग कहते हैं सब फैसिज्म, ये फैसिज्म से कई गुना आगे कम्युनलिज्म है, यानी कास्टिज्म है बोलो। तो ये कास्टिज्म हमें कभी देश के विकास में नहीं